है लर्निंग टाइम में। आज हम बात करेंगे गोवा राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान की वैकेंसी। इसमें फ्रेंड आपकी जो वैकेंसी निकली है उसके बारे में बात करेंगे, ठीक है। एक एक करके आपकी जो सारी इन्फॉर्मेशन है, ऑनलाइन फॉर्म फिलअप है, उसके बारे में भी हम बात करेंगे। तो यहाँ पे आपको देख सकते हैं, आपको जो वैकेंसी है एडवर्टाइजमेंट फॉर पोस्ट इंस्ट्रक्शन ऑन कॉन्ट्रैक्ट बेस पे है। यहाँ पे इस पोस्ट का इंस्ट्रक्शन का फॉर्म है, उसको यहाँ पे आप दे सकते हैं। सबसे पहले इसके हम उसके नोटिफिकेशन पे चलते हैं। यहाँ पे आपको गोवा आपका समागार शिक्षा यहाँ पे आपको देखने को मिल जाएगा। आपको इनवाइट करता है ऑनलाइन एप्लीकेशन फ्रॉम एलिजिबल कैंडिडेट फिलिंग अप द वैकेंसी प्योरली आपकी कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे एंड ऑफ 2 मई 2022, ठीक है। ये इसकी ऑफिशियल वेबसाइट है, ये आप देख सकते हैं। यहाँ पे आपको एग्रीकल्चर की यहाँ पे सेक्टर देखने को मिले, 8 वैकेंसी है। क्वालिफिकेशन पोस्ट आपका ग्रेजुएशन एग्रीकल्चर एग्रोनॉमी रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूट या यूनिवर्सिटी से, 1 साल का आपका एक्सपीरियंस होना चाहिए, ठीक है। या आप ग्रेजुएट होना चाहिए एग्रीकल्चर में, हॉर्टिकल्चर में या फॉरेस्ट्री में विद 0.5 आपका सेक्टर स्पेसिफाई एक्सपीरियंस या डिप्लोमा लैंडस्केपिंग एग्रीकल्चर आपका हॉर्टिकल्चर आफ्टर 10+2 साइंस विद 3 साल का एक्सपीरियंस टोटल एक्सपीरियंस आउट ऑफ जिसमें 2 साल का एक्सपीरियंस शुड बी सेक्टर स्पेसिफिक। यहाँ पे आपको देख सकते हैं मिनिमम कम्पिटेटिव यहाँ पे इफेक्टिव कम्युनिकेशन स्किल ओरल एंड रिटेन बेसिक कंप्यूटर स्किल 18-37 आयु दे रखी है 1 जनवरी के अनुसार, ठीक है। यहाँ पे एज रिलेक्शन रहेगा आपकी गवर्नमेंट के नियम के अनुसार। अप्रैल मेड यूपीएस एंड होम फर्निशिंग की पोस्ट ग्रेजुएट टेक्सटाइल और क्लोथिंग रिलेवेंट एरिया रिकॉग्नाइज इंस्टीट्यूट यूनिवर्सिटी 1 साल का वर्किंग एक्सपीरियंस और टीचिंग एक्सपीरियंस होने टेक्सटाइल एंड क्लोथिंग में, या मिनिमम आपका हाई स्कूल पास विद आपको सर्टिफाइड रिलेवेंट ट्रेड मिनिमम जिसमें 6 महीने का ड्यूरेशन। कैंडिडेट शुड नो पैटर्न मेकिंग कटिंग स्टिचिंग पॉस्टिंग बेसिक आपका एम्ब्रॉयडरी एंड पैकेजिंग गारमेंट आपका टेक्सटाइल क्वालिफिकेशन और एक्सपीरियंस विल नॉट बी कंसिडर्ड, ठीक है। यहाँ पे आपको देखते हैं इफेक्टिव कम्युनिकेशन स्किल आपका ओरल एंड रिटेन होना चाहिए, बेसिक कंप्यूटर ज्ञान 18-37 आपका जनवरी से यहाँ पे आप काउंट करिए गवर्नमेंट के नियम के अनुसार रहेगी, ठीक है। एक्सपीरियंस 4 साल का यहाँ पे रखा गया है। आपको कैंडिडेट शुड हैव स्पेसिफाई आपका एक्सपीरियंस 4 साल का, ठीक है। तो ये सब आपको दिखने को मिल जाएगा, यहाँ पे आप रीड कर सकते हैं। ऑटोमोटिव की यहाँ पे आप दे सकते हैं डिग्री ऑटोमोटिव मोबाइल इंजीनियर मैकेनिकल इंजीनियर फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूट, यहाँ पे 1 साल का वर्किंग एक्सपीरियंस टीचिंग एक्सपीरियंस या डिप्लोमा आपका ऑटोमोबाइल इंजीनियरिंग या मैकेनिकल इंजीनियरिंग फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूट से आपका यूनिवर्सिटी विद 1 साल का 3 साल का एक्सपीरियंस आपका टीचिंग एक्सपीरियंस यहाँ पे आप दे सकते हैं, या डिप्लोमा इंजीनियरिंग, ठीक है, मैकेनिकल इंजीनियरिंग फ्रॉम आपका 4 साल का एक्सपीरियंस ऑटोमोटिव सर्विस इंडस्ट्री या डिप्लोमा इंजीनियरिंग में और इंजीनियरिंग या वर्किंग एक्सपीरियंस लेटेस्ट टूल इक्विपमेंट यूज फॉर व्हीकल सर्विस, ठीक है। तो ये है इसका, यहाँ पे देख सकते हैं इफेक्टिव सेम इधर ही देखा 2.5-3 दे रखा है। ब्यूटी एंड वेलनेस की 4 वैकेंसी हैं, यहाँ पे आप देख सकते हैं डिप्लोमा आपका कस्टमोलॉजी ब्यूटी थेरेपी ब्यूटी कल्चर फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूट 1 साल का एक्सपीरियंस वर्क आपका टीचिंग एक्सपीरियंस रिलेवेंट फील्ड प्रोफेशनल या ग्रेजुएट विद आपका कॉस्मोलॉजी ब्यूटी वेलनेस सर्टिफाइड या डिप्लोमा इन ब्यूटी एनी इंटरनेशनल डिप्लोमा 6 मंथ का ड्यूरेशन 1 साल का एक्सपीरियंस अप्लीकेशन या आपका 10वीं पास 5 साल का एक्सपीरियंस रिक्वेस्ट डोमेन 12th पास या 5 साल का एक्सपीरियंस रिक्वेस्ट डोमेन, ठीक है। सेम यहाँ पे रहेगा, यहाँ पे भी कोई चेंज नहीं 2.5-3 आयु तरीके। कंस्ट्रक्शन की 2 वैकेंसी हैं, बीटेक सिविल इंजीनियर फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड आपका इंस्टीट्यूट यूनिवर्सिटी से या और उसके साथ 1 साल का एक्सपीरियंस टीचिंग या आप देख सकते एक्सपीरियंस डिप्लोमा सिविल इंजीनियर 2 साल का वर्किंग एक्सपीरियंस टीचिंग एक्सपीरियंस डिप्लोमा सिविल इंजीनियर 1 साल का सेक्टर स्पेसिफाई आपका एक्सपीरियंस या बीटेक एमटेक 0.6 आपका स्पेसिफाई सेक्टर का एक्सपीरियंस, ठीक है। यहाँ पे सेम आपका रहेगा इलेक्ट्रॉनिक की यहाँ पे 7 वैकेंसी बीटेक इलेक्ट्रॉनिक इलेक्ट्रिकल टेलीकम्युनिकेशन 1 साल का एक्सपीरियंस रिलेवेंट फील्ड आपका यह डिप्लोमा इलेक्ट्रिकल इलेक्ट्रॉनिक्स यहाँ पे आप देख सकते हैं टेलीकम्युनिकेशन रिकॉग्नाइज बोर्ड आपका टेक्निकल एजुकेशन 2 साल का रिलेवेंट एक्सपीरियंस या बैचलर डिग्री है इन कंप्यूटर साइंस टेक्नोलॉजी या यहाँ पे इलेक्ट्रॉनिक्स में 7 वैकेंसी हैं बीटेक इलेक्ट्रॉनिक इलेक्ट्रॉनिक टेलीकम्युनिकेशन विद 1 ईयर एक्सपीरियंस रिलेवेंट फील्ड या डिप्लोमा इलेक्ट्रॉनिक्स में यहाँ पे आपको 2 साल का एक्सपीरियंस है बैचलर डिग्री है टेक्नोलॉजी में यहाँ पे आपको देखने को मिल जाएगा। इन सब के बारे में दे सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे इनके बारे में सेम लगभग सेम है। सो टाइप वर्किंग एक्सपीरियंस इज द जॉब रोल ही शुड बी एबल टू कम्युनिकेशन इंग्लिश लोकल लैंग्वेज, ठीक है। तो यहाँ पे आपको दे रखा है और नॉलेज आपको होनी चाहिए टूल मटेरियल सेफ्टी एंड हेल्थ और हाइजीन, ठीक है। तो यहाँ पे इसके बारे में आप पूरी जानकारी दे सकते हैं।
इसके बारे में तरीका आईटी और आईटीएस के वहाँ पे वन वैकेंसी डिप्लोमा, तो यहाँ पे आप तो देख सकते हैं वन वैकेंसी डिप्लोमा इन कंप्यूटर साइंस इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी बैचलर डिग्री इन कंप्यूटर एप्लीकेशन साइंस इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी या बीसीए बीएससी कंप्यूटर साइंस इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी या ग्रेजुएट अविथ पीजीटीसीए या डीओसी ए लेवल सर्टिफिकेट होना चाहिए। ठीक है, यहाँ पे आपका कैंडिडेट एक साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए सेम जॉब रोल। ठीक है, यहाँ पे 28-30 आपकी आयु देखिए, आपको गुड कम्युनिकेशन इंग्लिश और लोकल लैंग्वेज होना चाहिए, आपको नॉलेज होनी चाहिए टूल मटेरियल सेफ्टी और हेल्थ हाइजीन की। रिटेल की 5 वैकेंसी, ग्रेजुएट डिप्लोमा या डिप्लोमा रिटेल मैनेजमेंट पीजी डिप्लोमा इन मार्केटिंग 50% आपका मार्क वन फर्स्ट ईयर आपका टीचिंग वर्क एक्सपीरियंस प्रेफरेंस आपको दे गिवन टू हायर एजुकेशन विद एमबीए रिटेल मार्केटिंग या आप जैसे पीजी डिप्लोमा रिटेल मार्केटिंग 12th पास आपको 4 साल का सेक्टर स्पेसिफिक एक्सपीरियंस इन रिटेल स्टोर ऑपरेशन या सेल में रिटेल डिप्लोमा ग्रेजुएट 2 साल का सेक्टर आपका स्पेसिफाई एक्सपीरियंस रिटेल स्टोर ऑपरेशन से। ठीक है, तो यहाँ पे आपके स्किल के बारे में कंप्यूटर की नॉलेज होनी चाहिए, इफेक्टिव कम्युनिकेशन होना चाहिए, ऑरल और रिटेन होना चाहिए। ठीक है, ये आपको देखने को मिल जाएगा। टूरिज्म हॉस्पिटलिटी में आप 5 वैकेंट डिप्लोमा डिग्री इन होटल मैनेजमेंट फ्रॉम रिकनाइज यूनिवर्सिटी इंस्टीट्यूट विद आपका 5 साल का एक्सपीरियंस वर्किंग टीचिंग एक्सपीरियंस इन फूड आपका बेवरेज सर्विस आपका 1 ईयर आपका सुपरवाइजर आपका कैपेसिटी इन क्लासिफाइड होटल फैकल्टी मैनेजमेंट कंपनी या आपको सर्टिफाइड डोमेन 5 साल का सेक्टर स्पेसिफिक आपका एक्सपीरियंस होना चाहिए डिप्लोमा इन होटल मैनेजमेंट 5 साल का सेक्टर स्पेसिफाइड एक्सपीरियंस होना चाहिए। ये सब यहाँ पे आपको देखने को मिल जाएगा। ठीक है, तो उसको आप यहाँ तक रीड कर सकते हैं। ठीक है, अब बात करते हैं फ्रेंड लॉजिस्टिक के बारे में। तो यहाँ पे आपको 4 वैकेंसी, ग्रेजुएट डिप्लोमा इन लॉजिस्टिक डिप्लोमा पीजी डिप्लोमा अब लॉजिस्टिक मैनेजमेंट विद 50% वन ईयर वर्क एक्सपीरियंस इन टीचिंग या एरिया ऑफ लॉजिस्टिक प्रिफर विल बी गिवन हायर एजुकेशन विद एमबीए लॉजिस्टिक में या पीजी डिप्लोमा लॉजिस्टिक मैनेजमेंट में या 12th आपने पास किया है या ग्रेजुएट विद आपका सब्जेक्ट आपका स्पेसिफाई स्पेसिफिकेशन एक्सपीरियंस। हेल्थ केयर में 6 वैकेंसी, डिप्लोमा इन जीएनएम जनरल नर्सिंग मिडवाइवरी विद आपका एक्सपीरियंस 3 साल का रखा गया यहाँ पे, जिसमें से 2 साल आपका सेक्टर 2 साल का एक्सपीरियंस सेक्टर एक्सपीरियंस और 1 साल का टीचिंग एक्सपीरियंस। टीचिंग या बीएससी या नर्सिंग मिडवाइवरी 4 साल का 3.5 साल का डिप्लोमा इन जीएनएम 1 ईयर एक्सपीरियंस। इसी तरीके से यहाँ पे आपको पूरी डिटेल दे रखी है, वो यहाँ पे आपको देखने को मिल जाएगी। बैंकिंग, फाइनेंशियल सर्विस, इंश्योरेंस, पोस्ट ग्रेजुएट कॉमर्स इन मैनेजमेंट फाइनेंस और रिकॉग्नाइज इंस्टीट्यूट यूनिवर्सिटी 1 साल का एक्सपीरियंस। बीकॉम ग्रेजुएट आपको 2 साल का एक्सपीरियंस। ठीक है, प्लम्बिंग के 2, बीटेक इन सिविल मैकेनिकल एग्रीकल्चर इंजीनियर विपना इंस्टीट्यूट यूनिवर्सिटी विद 1 साल का एक्सपीरियंस डिप्लोमा सिविल यहाँ पे मैकेनिकल एग्रीकल्चर यहाँ पे 2 साल का एक्सपीरियंस। आईटीआई प्लम्बिंग 4 साल का आपका जिसमें 3 साल एक्सपीरियंस शुड बी सेक्टर स्पेसिफिक। डिप्लोमा प्लम्बिंग एंड डिप्लोमा 3 साल का जिसमें 2 साल का एक्सपीरियंस शुड बी सेक्टर। तो ये थी आपकी जो वैकेंसी, आप देख सकते हैं आपको सैलरी रहेगी 20,000 पर मंथ। यहाँ पे वैकेंसी कैटेगरी वाइज डिवाइडर यहाँ पे देख सकते हैं आपको देखने को मिल जाएगा। ठीक है, तो फ्रेंड आप जो इंस्ट्रक्शन दे रखे हैं 6-7 से लेकर 14-7 तक आप आवेदन कर सकते हैं ऑनलाइन या कैंडिडेट आपका डिजायर टू अप्लाई कर सकते हैं मोर देन 1 सेक्टर सबमिट सेपरेट फ्रॉम ईच सेक्टर। ठीक है, यहाँ पे आप देख सकते हैं एज रिलेक्शन रहेगी 45 ऊपर नहीं होनी चाहिए, अदर आपको आपको जानकारी आ रही है वो यहाँ पे आपको देखने को मिल रही है। ठीक है, तो यहाँ पे देख सकते हैं रिटन एग्जामिनेशन आपको लिया जाएगा 30 नंबर का, नेचर ऑफ एग्जामिनेशन सेल एमसीक्यू होगा सेक्शन ए बी सी जनरल नॉलेज इंग्लिश ग्रामर कोर कंटेंट। ठीक है, ईच सेक्शन विल बी आपका 10 मार्क होगा, चाहे आपको मिनिमम 6 मार्क आपको आपको लेके आने उन कोर कंटेंट में सेक्शन सी में। ठीक है, ओवरऑल 15 फॉर आपके मार्क होने चाहिए क्वालिफाई मॉक आप टेस्ट प्रैक्टिकल टेस्ट लेसन डोमिनेशन। तो फाइनल सिलेक्शन विल बी बेस्ड ऑन मेरिट लिस्ट के अनुसार तैयार किया जाएगा, पासिंग रिटन एग्जामिनेशन लेसन डोमिनेशन आपका डेमोनस्ट्रेशन प्रैक्टिकल टेस्ट मॉक टेस्ट के अनुसार। ठीक है, बाकी आपकी जो जानकारी दे सकते हैं यहाँ पर हम उसके रजिस्ट्रेशन की प्रोसेस की बात करें तो यहाँ पे आपको देखिए इसके बारे में देखा ईमेल आईडी यहाँ पे आप देख सकते हैं जिस पोस्ट के लिए अप्लाई करना चाहते हैं उस पोस्ट का नाम, नेम ऑफ कैंडिडेट, आपका एड्रेस है, क्वालिफिकेशन का आपको बताना है, कैंडिडेट का एडिशनल क्वालिफिकेशन है यदि उसका वर्क एक्सपीरियंस है उसके बारे में, कॉन्टैक्ट नंबर, डेट ऑफ बर्थ, यहाँ पे आपको कैटेगरी है, यहाँ पे आपको यह वैलिड एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज रजिस्ट्रेशन नंबर है, आपको देख सकते हैं आपका नंबर आपका 15 साल का रेजिडेंस सर्टिफिकेट होना चाहिए गोवा में, यहाँ पे रेजिडेंस सर्टिफिकेट वैलिड नंबर इशू बाई आपका कंपोनेंट का आपका अथॉरिटी, यहाँ पे डेट ऑफ वैलिड कास्ट सर्टिफिकेट इशू बाई कंपोनेंट अथॉरिटी, वेदर यू प्रोसेस रिक्वायर्ड क्वालिफिकेशन एज पर द एडवर्टाइजमेंट यस या नो, हैव यू बीन वैक्सीनेट या कोविड यस यहाँ पे बताना फर्स्ट सेकंड डोज, यहाँ पे हैव यू बीन वैक्सीनेट फॉर कोविड इफ नो रीजन तो यहाँ पे आपको जानकारी देनी है। यहाँ पे डिक्लेरेशन फॉर्म है यहाँ पे आप उसके बारे में बता सकते हैं, आई एग्री पे क्लिक करना, सबमिट पे यहाँ पे आपको क्लिक करना है। तो फ्रेंड
यह थी आपकी जानकारी गोवा में निकली भर्ती के बारे में। तो आपके गोवा राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान के बारे में बताया मैंने। यह वीडियो इन्फॉर्मेशन आप लोगों की हेल्प हो तो प्लीज जरूर बताएं। ठीक है, यहाँ पे आपको दिखेगी लास्ट आपको क्वालिफिकेशन मॉक प्रैक्टिकल टेस्ट, आपको इसके बारे में जानकारी देखने को मिलती है। ठीक है, वीडियो अच्छा लगा, इन्फॉर्मेशन हेल्पफुल लगी तो प्लीज जरूर बताएं। ऑल इंडिया गवर्नमेंट जॉब कैरियर रिलेटेड जानकारी की डेली अपडेट के लिए हमारे चैनल बने रहे। वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद।